hello children today we will study about uh, a poem and the name of the poem is a tiger in the zoo and the poet of this beautiful poem is leslie norris so i am going to read the paragraph given there first then i will explain the stanza wise i will tell you the difficult words राइमिंग स्कीम ऑफ़ द पोएम एंड द पोएटिक डिज टू सो वी स्टार्ट अ टाइगर इन द ज़ू बाई लैस ली नॉरे दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ये पोएम जो है एक जो जू में टाइगर होता है और जो नेचुरल हैबिटेट में आप जो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में यानी कि जंगल में रहता है तो ये उन दो टाइगर्स के बारे में जो दो तरह के टाइगर्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती है उनका दोनों का कंट्रास्ट दिखाती है कि दोनों एक दूसरे से कैसे ऑपोजिट होते हैं द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू तो पोएम स्टार्ट होती है वो जू से शुरू होगी और फिर जंगल की तरफ जाएगी पहले जू के शेर के बारे में बताया जाएगा इस पोएम में और फिर जंगल में जो शेर रहता है उसके बारे में बताया जाएगा एंड बैक अगेन टू द जू और फिर वापस जू के शेर के बारे में रीड द पोएम साइलेंटली वंस

On pads of velvet, quite, in his quite rage. So, अब stock see the difficult word first. Stocks माने होता है चहलकदमी करना मूव करना इधर उधर और vivid होता है बहुत bright, clear. Stripes जो लाइनें होती हैं तो यहाँ पर पोएट कहता है कि जो ही जो है टाइगर के लिए कहा गई है टाइगर जो है वो अपनी बहुत ब्राइट क्लियर स्ट्राइप्स जो ऑरेंज कलर की स्ट्राइप्स होती हैं उसमें ऑरेंज और ब्लैक उस धारियोंदार ऐसा टाइगर अपनी वॉक कर रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केज अपनी जो केज है जो पिंजड़ा है उसमें कुछ कदम चहलकदमी कर रहा है क्योंकि वो छोटा सा पिंजड़ा तो नेचुरली जितना पिंजरा होगा उतनी ही वो चहलकदमी कर पाएगा तो आई एम रिपीटिंग ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्टेप केज अपने पिंजड़े के ने अपनी बहुत ही ब्राइट क्लियर ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स के संग धारियों के संग वो चहलकदमी कर रहा है ऑन पैट्स ऑफ वेलविट क्वाइट इन हिस क्वाइट रेज और उसकी जो वो बहुत शांत दबे पाँव चल रहा है पैट्स ऑफ पैट्स होते हैं पॉज को कहते हैं जो उसके पंजे होते हैं और वेलवेट एक कपड़ा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, है इन हिज क्वाइट रेज रेज होता है एंगर और क्वाइट होता है शांत यानी कि उसमें गुस्सा भरा हुआ है लेकिन वो शांत है क्योंकि उसको मालूम है कि जब पिंजरे में वो कुछ कर नहीं पाएगा तो तो वो बहुत ही गुस्से में भरा है लेकिन शांति के संग अपने दवे पाँव अपने वेलवेटी पाँव से जो है अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स इधर उधर अपनी खूब ब्राइट क्लियर स्किन के संग स्ट्राइप्स के संग वो वॉक कर रहा है दिस इज़ द फर्स्टें तो इस स्टेंजा में हमको टाइगर जो है जो जू का टाइगर है उसके बारे में बताया गया है सीधा राइमिंग स्कीम फर्स्ट राइमिंग स्कीम देखिए स्ट्राइप्स जो है इस पैसेज में किसी इस स्टेंजा में किसी से वो नहीं करा तो स्ट्राइप्स ए है केज एंड फोर्थ लाइन रेज केज एंड रेज की जो है सेम साउंड आ रही है तो जब इस टाइप की साउंड्स होती हैं तो हम पहले भी अपने पोएम्स में बता चुके हैं तो वहाँ पर उसको राइमिंग स्कीम होगी तो यहाँ पर दोनों को बी बी नंबर दिया जाएगा कि राइमिंग स्कीम होता है कि जब लास्ट की साउंड सेम सी लग रही हो तो वहां पर सेम नंबर अल्फाबेट दिया जाता है तो केज एंड रेज इज राइमिंग सो बी बी एंड क्वाइट इज डिफरेंट टू सी तो इस पूरी पोएम में बच्चों इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है ठीक है एंड सी द पोएटिक डिवाइसेस देखिए सबसे पहले ही उन्होंने पोएट ने आ, शेर को ही कहा है तो यानी कि जा, वैसे जानवरों के लिए हमको मालूम है इट का यूज होता है लेकिन यहाँ पर उन्होंने ही कहा है यानी कि उसको उसको एक पर्सन का रूप दिया गया है तो यहाँ परसोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन जब परसोनिफिकेशन ये फिगर्स स्पीच होता है जब किसी नॉन ह्यूमन को एक, एक ह्यूमन रूप दिया जाता है ठीक है यहाँ पर टाइगर को उन्होंने एक ह्यूमन का रूप दिया है ही कहे के पुकारा है तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है नेक्स्ट देखिए इंजेबमेंट है इसमें देखिए जब इंजेबमेंट वहां होता है हम रिपीटिंग कि जब किसी कोई लाइन की बिना किसी पंचुएशन मार्क के दूसरी लाइन पे मूव कर जाती है कोई भी पंचुएशन मार्क वहाँ नहीं होता देखिए स्ट्राइप्स के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है ठीक है केज और रे और नीचे थर्ड लाइन में क्वाइट और रे के बाद है लेकिन स्ट्राइप्स के बाद नहीं है तो फर्स्ट लाइन में इनजैबमेंट होगा इनजैबमेंट ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच है इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच होता है कि जब पोइट ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हो आपको पोएम कि आपकी आंखों के आगे इमेज बने जैसे आप यहाँ पर उसने बिल्कुल साफ कि केज में एक ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स का है बहुत ही विविड़ होते हैं ना जिस बहुत ही क्लियर ब्राइट स्ट्राइप्स का और ये पाँव शेर जो है वॉक कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं तो जब इस टाइप के ऐसे पोएम हो कि आपके सामने व्यू चलने लगे आंखों के आगे दिमाग में तो वहाँ पर इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच होता है तो यहाँ पर इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच है अगला देखिए इसमें लास्ट लाइन में क्वाइट क्वाइट माने होता है शांत और रेज रेज होता है एंगर को कहते हैं गुस्से को बहुत ही एक्सट्रीम गुस्सा जो होता है बहुत ज्यादा तो जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ दिए होते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन विरोधा भाषा अलंकार इन हिंदी ठीक है तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच है देखिए इसमें कॉन्सोनेंस भी है ठीक है कॉन्सोनेंस होता है बच्चों जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड नॉट वॉवेल ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी बाकी जो इक्कीस कॉन्सोनेंट होते हैं वो साउंड किसी लाइन में उसका बार बार रिपिटिशन हो तो वहां पर कॉन्सोनेंस होता है अब जैसे देखिए पहली लाइन है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप इसमें स साउंड देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है स स्टॉक्स का एस फिक के बाद एस हिज में एस है ना स्ट्राइस में एस तो सा साउंड बहुत बार रिपीट हुए तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस नेंस सी ओ एन एस ओ एन ए एन सी ए एंड वन मोर फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर एसोनेंस देखिए एसोनेंस इज ऑल्सो देयर जब किसी लाइन uh, uh, में uh, कोई वॉवल uh, साउंड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है जैसे कि uh, इसमें देखिए लास्ट लाइन में और फर्स्ट लाइन में दोनों में आई साउंड बार बार रिपीट हुआ है इन में एच आई एस हिज में विविद में दो बार स्ट्राइप्स में और लास्ट में देखिए इन हिज क्वाइट है तो यहां पर एसोन एन स्पीकर्स ऑफ स्पीच है सो नाउ वी मूव दी द सेकेंड स्टेंजा ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेर डियर पास सो इस स्टेंजा में जो है पोएट जो है जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो कि जब टाइगर जंगल में होता है अपने ओरिजिनल आ, आ, तरीके से रह, जब रहता है जब उसके ऊपर कोई केज एज में नहीं होता ही शुड बी लर्किंग इन शेडो तो वो जो है लर्किंग होता हाइड हाय छुपाना अपने आप को वह छाया में कहीं छुप उसको छुप जाना चाहिए ही शुड बी लर्किंग इन शेडो वो छाया में छुप जाता है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास और कहाँ पर छुपता है अपने आप को लंबी लंबी घासों में धीमे धीमे मूव करता है वहाँ पर लंबी लंबी घासों के अंदर क्योंकि वहाँ पर वो बैठ के अपने प्रे का अपने शिकार का इंतजार करता है नियर द वॉटर होल वेयर प्ल्प डर पास और वो लंबी लंबी ग्रास जहाँ पर वो छुप के शेडो में धीमे धीमे मूव करता है अपने प्रे की तरफ वो जो होते हैं जब वॉटर पूल जो होते हैं जहाँ पर खूब पानी होता है और जहाँ प्लम्प बहुत चबी से बहुत ही मानसीले डियर जो है हिरन है वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो लंबी लंबी घासें होती हैं उनके शेडों में वो अपने आप को छुपा के रखता है और किस लिए रखता है प्रे के लिए अपने जो पी आर ई वाई प्रे अपने जो शिकार के इंतज़ार करता है वहाँ बैठ के ठीक है दिस इज द एक्सप्लेनेशन अगेन देखिए ही इज यूजिंग ही हैज़ यूज हियर ऑल्सो सो आई एम रिपीटिंग परसोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर अगेन वी कैन इमेजिन कि शेर ने अपने आप को uh, लंबी लंबी घास के अंदर छुपाया हुआ है और वहाँ बैठकर प्री का अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं तो इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच देयर देखिए ग्रास और होल के बाद देयर इज नो पंचुएशन मार्क सो इंजमेंट इज ऑल्सो देयर एंड देखिए लास्ट लाइन प्लम्प एंड पास इस लाइन में दो पी जो है रिपीट हुए हैं तो जब किसी लाइन में कोई वर्ड का रिपीटिशन होता है कोई अल्फ़ाबेट का तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होती है अनुप्रास अलंकार प्लम्प और पास तो देर इज़ ए एलिट्रेशन फीगर्स ऑफ स्पीच ऑल्सो देयर एंड द राममिंग स्कीम इज द सेम शेडो इज नॉट रामिंग विद समथिंग तो ए ग्रास एंड पास ग्रास एंड पास सेम सी साउंड आ रही है तो ये दोनों बी हैं होल इज सी तो ए बी सी बी इज़ द रमिंग स्कीम ऑफ द पोएम नाउ वी विल मूव टू वर्ड्स द थर्ड स्टैंसर ही शुड बी स्नार्लिंग हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिस्स वाइट फैंक्स हिस्साइजिंग दिलेज अब इस में भी जो जंगल का जो शेर है जो अपना खुले में रहता है उस शेर के बारे में पोइंट बात कर रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज स्नार्लिंग होता है दहाड़ जो उसकी रोर होती है दहाड़ उसको स्नारलिंग कहते हैं ठीक है थीके? तो ही एट द जंगलोएट कहता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल कि उसको जंगल की एज पे जहां पर जंगल खत्म हो रहा होता है और घर शुरू हो रहे होते हैं वहां पर उसको दहाड़ना चाहिए शुड लिखा है ना देखिए दोनों पैराग्राफ में ऊपर वाले में भी शूट तो उसको वहाँ पर जंगल की एच पे जहाँ जंगल ख़त्म हो रहा होता है और टाउन शुरू हो रहा होता है जहाँ पर घर बस्ती शुरू हो रही थी वहाँ पर उसको दहाड़ना चाहिए बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज बेयरिंग होता है शो दिखाना और वाइट फैंक्स होता है जो शेर के दांत होते हैं जो जिनसे जो बाहर की तरफ निकले होते हैं वाइट फैंक्स जो कैनाइन होते हैं उनके ठीक है उसको सफेद दांतों को कहा गया जो बाहर की तरफ ऐसे शेर के दो किनारे पे निकले होते हैं तो और उसको अपने सफेद दांतों को दिखाना चाहिए और, और अपने पंजों को दिखाना चाहिए टेरराइजिंग द विलेज और कहा के लिए अपने विलेज पीपल को टेरराइज करने के लिए उनको आतंकित करने के लिए ठीक है जो जंगल का शेर होता है उसको ये करना चाहिए सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम अगेन हाउसेज ए एज एंड विलेज इज सेम से साउंड आ रहे हैं तो यहाँ पर बी बी होगा एज और विलेज में एंड क्लॉज इज नॉट राइमिंग विद एनी लाइन सो सी ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम सी द पोट्रिक डिवाइसिस नार्लिंग बच्चों जी जब भी किसी साउंड की आवाज आती है जैसे अगर हम ये कहें कि uh, मधुमक्खी भिन भीती है, है ना बीज बजिंग है ना लाइन रोर्स है ना स्नक हिस्स जिस या जब साउंड आती है के बारे में हम बात कर लें तो वहाँ पर ऑनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच होती ऑनोमेटोपिया आई एम स्पेल आई एम गोइंग टू स्पेल इट ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ आई ऑनोमेटोपिया है it, o -O 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 -E ना जब किसी साउंड के बारे में बात करते हैं हम किसी स्टैंडा में तो वहाँ पर ऑनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच होती है तो स्नार्लिंग साउंड है टाइगर की रोर जिसको हो जो होता है दहाड़ तो यहाँ पर ऑनोमेटिव फेयर फिगर्स ऑफ स्पीच है सी हाउसेस के बाद कोई भी आपको पंचुएशन मार्क नहीं है तो इन हाउसेस। हाउसेज देर इज़ नो पंचुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड हाउसेज इन फर्स्ट लाइन सो इन जैपमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इज देर सी आ, जो थर्ड लाइन है बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज देखिए कितनी बार आई वर्ड आई अवॉबल होता है ए ई आई ओ यू तो कितनी बार रिपीट uh, हुआ है आई अल्फाबेट वॉविल तो यहां पर एसोनेंस ए डबल एस ओ एन ए एन सी इज स्पीकर सो दिस इज द पोइटिक डिवाइसेस नाउ वी वी मूव टूवर्स बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग वेज अब इसमें अगेन पोट जो है जो जू में बंद है शेर टाइगर उसके बारे में बात करता है बट ही इज लॉकड इन अ कॉन्क्रीट सेल की बट लेकिन जो जो केज में यहाँ पर जो जू में शेर है वो एक कॉन्क्रीट सेल सेल होता है केज को कहते हैं पिंजड़े को और कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट होता है बच्चों कि जिस जो एक सीमेंटेड सा होता है जो बना के बहुत ही जिससे घर वर बनाए जाते हैं और बाद में वो सूख के एकदम कड़ा हो जाता है तो वहाँ पर वो शेर के लिए कहते हैं कि वो एक कॉन्क्रीट के सीमेंटेड केज में लॉक्ड है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार और उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वो बार के पीछे है जो पिंजड़े के जो आ, आ, क्या कहते हैं उसको पिंजड़े के जो बार्स होते हैं छड़ियाँ होती हैं तो उसके पीछे है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज इग्नोरिंग विजिटर्स और वो जो है अपने जो की पिंजड़े की जितनी भी लेंथ है लंबाई चौड़ाई है लंबाई है बस उसमें स्टॉक वॉक कर रहा है और इग्नोरिंग विजिटर्स और जो भी विजिटर्स जो पे आए हुए हैं लोग देखने उनको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि वो कुछ और कर नहीं सकता पिंजड़े के पीछे है बस वो उसमें वॉक कर रहा है जितना जितना बड़ा केज है और उसकी सारी शक्ति जो है क्योंकि सारी स्ट्रेंथ उसकी ताक़त जो है बास के पीछे है, केज के जो जो छड़े होती हैं पिंजड़े की उनके पीछे है तो यानी उसको मालूम है कुछ कर नहीं सकता और वे कॉन्क्रीट सीमेंटेड सेल में या केज में लॉक्ड है द राइमिंग स्की सेल इज एस बार्स एंड विजिटर्स बार्स विजिटर्स थोड़ा साउंड कर रहे हैं तो बी बी एंड केज इज सी ए बी सी बी अगला देखिए देखिए कॉन्क्रीट सेल दो सी एक साथ आए हैं तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर जब कोई सेम अल्फ़ाबेट से वर्ड शुरू होता है ठीक है कॉन्सोरेन्स में वर्ड बीच में भी आ सकता है लेकिन एलिट्रेशन में वो वर्ड शुरू होना चाहिए कॉन्क्रीट और सेल देखिए दोनों सी से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ठीक है ऐसे देखिए बिहाइंड बार्ड्स बी बी साउंड से दोनों वर्ड लगातार शुरू हुए तो यहाँ भी एलिट्रेशन फीगर्स ऑफ स्पीच है ठीक है अब लास्ट लाइन देखिए इग्नोरिंग विजिटर्स में आई साउंड कितनी बार रिपीट हुआ है लेकिन उससे वर्ड शुरू नहीं हुआ है ना ठीक है और आई हमें मालूम है कि वॉवल होता है तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है इग्नोरिंग विजिटर्स एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच होती है देखिए आई कितनी बार इग्नोरिंग और विजिटर्स में कितनी बार आई रिपीट हुआ है तो एसोनेंस है फीगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इस लाइन में देखिए साउंड कितनी बार रिपीट हुई है है ना एस हिज स्ट्रेंथ का एस है ना बार्स का एस साउंड सा बहुत तो यहाँ पर कॉन्सोनेस है कॉन्सोनेस और एलिट्रेशन में बच्चों दिस इज अ डिफरेंस एलिट्रेशन में उस वर्ड से शुरू होना चाहिए और लगातार वैसे शब्द उस वर्ड से होने चाहिए लेकिन कॉन्सोनेंस में कोई भी जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वो वर्ड उस लाइन में कई बार रेपिटिशन होना चाहिए उस वर्ड का कहीं भी हो सकता है चाहे वर्ड शुरू में हो चाहे बीच में हो कहीं भी हो सकता है दिस इज अ डिफरेंस नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट स्टेंजर ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स सो दिस इज द अगेन टाइगर ऑफ द जू हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कास्ट और यहाँ पर जो टाइगर जो है जो पेट्रोलिंग कास्ट पेट्रोलिंग कास्ट होता है बच्चों जो पुलिस की गाड़ियाँ जो रात को चेकिंग करती हैं कि सब सेफ है कि नहीं पेट्रोलिंग कहते हैं उसको पेट्रोलिंग करती हैं तो इसी तरह जूम है कि सब जानवर ठीक से बंद हैं कि नहीं जो पेट्रोल कर, पेट्रोलिंग करती जहलकदमी तो जो पेट्रोलिंग कास्ट की आवाज़ सुनता है वो ही यानी कि टाइगर <coughs> लास्ट वॉइस एट नाइट रात को जो कार पेट्रोलिंग कर, कर रही होती है जो I mean, जिनका जो निरीक्षण कर रही होती उनका सुनते है उनका वॉइस एंड स्टेज ब्रिलियंट आइस एट ब्रिलियंट स्टार्स और अपनी घूरने को और अपने से बहुत चमकते हुए वो चमकते हुए सितारों को घूरता है hmm. सेम सी से साउंड आ रही है तो बी बी एंड आई इज सी ए बी सी बी पूरी पोएम में से राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है सी देखिए अगेन जहाँ जहाँ ही पूरी पोएम में यूज़ किया गया है तो पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है हम आई रिपीटिंग कि जब किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन का आ, आकार दिया जाता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है इमेजरी है पूरी पोएम में इमेजरी है पोइट ने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि हम जैसे लगता है कि आंखों के आगे फिल्म चल रही तो है, तो है।, है तो हम इमेजिन कर सकते हैं उसको तो पोएम पूरी इमेजरी पूरी एक पोएम एक पोइटिक डिवाइस है ब्रिलियंट वर्ड देखिए लास्ट की थर्ड और फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर रिपिटेशन जब कोई वर्ड बार बार रिपीट किया जाए उस पर जोर दिया जाए तो रेपिटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है और देखिए थर्ड लाइन में आई वर्ड आई वॉवेल जो होता है कई बार रिपीट किया गया देख रहे हैं विद में हिज में ब्रिलियंट में दो बार तो आई वर्ड बार बार अल, आ, आ, जो वॉवल है एक बार बार रिपीट हुआ है बीच बीच में तो यहाँ पर एसोरेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड ही हीस फर्स्ट लाइन में देखिए एच साउंड दो बार रिपीट हुआ है दो सेम अल्फाबेट से दो वर्ड शुरू हुए हैं तो एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड सी आइस के बाद थर्ड लाइन में कोई पेंचुएशन मार्क नहीं है तो इन्जैमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो देयर So, this is the beautiful poem. It has already been completed now. So, you watch the video, practice it. Thank you. Thank you so much.